लोग भी पहले हिंदू थे ये कहना भी गलत है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों ने इनको हिंदू कहा, ये हमारे मित्र का कहना है। ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू शब्द लाया ही नहीं गया, बल्कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे 1875 को, 1875 को दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक इन्होंने हिंदू शब्द का विरोध किया और कहा ये मुसलमानों की दीवी गाली है और ये हमें स्वीकार नहीं। बल्कि हिंदुओं पर मुगलों ने जब जिजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर जिजिया कर लगाया ना जाए। जिस तरह से तुम आक्रमणकारी हो और यहां के प्रजा को पराजित किया, उसी तरह से आपके पहले के आक्रमणकारी हम हैं, तो हम हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहना ही मना कर दिया और इसका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और इसका एविडेंस यह है कि मुगलों ने ब्राह्मणों को एग्जम्प्शन किया, एग्जम्प्ट किया। एग्जम्प्ट का मतलब है कहा ठीक है आप लोगों को रियायत दी जाती है कि आप कोई जिजिया कर नहीं देना होगा, जिजिया कर नहीं देना होगा। ये एविडेंस इस बात का सबूत है कि मुगल इनको हिंदू नहीं मानते थे और ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते। तो ये बात हम लोगों को, ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्राह्मणों की फैलाई हुई जो जानकारी है, वो फैलाई हुई जानकारी के आधार पर, यानी इग्नोरेंस जो ब्राह्मणों ने फैलाया, हमारे आदिवासी मित्र ने जो अज्ञान फैलाया ब्राह्मणों ने, उस अज्ञान को ज्ञान माना। ब्राह्मणों ने जो अज्ञान फैलाया उसको ज्ञान माना, उसको जानकारी माना, उसको तथ्य माना और उसको तथ्य मानकर उसके आधार पर विचार किया, तर्क बनाया, खड़ा किया। जिसका बेस ही झूठ है उसके ऊपर खड़ी की गई जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो सच कैसे हो सकती है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग में सारा मामला खड़ा। ये बात हम लोगों को समझना होगा। मतलब ये जैन बौद्ध और सिख धर्म की स्थापना हिंदू धर्म से अलग होकर ही हुई है, इसमें यह भी माना गया है कि ये हिंदू थे, ये सारी बातें गलत है। इसका सीधा सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि जैन बौद्ध और सिख धर्म के आज के जो लोग हैं 2500 साल पहले हिंदू थे, आर्य थे। कोई ब्राह्मण हम लोगों को आर्य मानने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी लोग हमको आर्य मान रहे हैं। अरे आर्य तो छोड़ो, हमको छूने के लिए तैयार नहीं है, आर्य छोटा टच करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो ब्राह्मणों का व्यवहार है हमको आर्य मानने का, जो आज जैसे आदिवासी कह रहे हैं, ये इतना ज्यादा बेबुनियाद तर्क है कि इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई इस बात को नहीं मानता। इसलिए आज भी संविधान के आर्टिकल 25 के तहत जैन सिख और बौद्ध धर्मीय लोगों को हिंदू ही माना जाता है और हिंदू के ही सभी कानून लागू होते हैं। ये बात सही लिखा है कि संविधान में इन लोगों को हिंदू लिखा हुआ है, हिंदू कहा गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो आपके मन में सवाल आया कि बाबा साहब ने इसको हिंदू क्यों लिखा? एक ऐसा सवाल बनता है। चलो ज्ञानी लोग तो इसको हिंदू नहीं मानेंगे, मगर बाबा साहब ने क्यों लिखा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखकर समाप्त हुआ और हैंडओवर किया, हैंडओवर का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें लगभग 1.5 घंटे का स्पीच किया, लंबा स्पीच किया। वो सारा लंबा स्पीच जो है वो अवेलेबल है। उसमें उन्होंने कहा बहुत सारी बातें मैं संविधान में लिखना चाहता था, लिख नहीं पाया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मैं सहमत नहीं हूं। सहमत ना होने के बावजूद भी वो संविधान में है,
तो ये माना जाए कि वो बहुमत से पास किया हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर ने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करके रखा, बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं मगर फिर भी संविधान में है तो वो बहुमत से पास किया हुआ है। क्योंकि मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूं, लोकतांत्रिक आदमी हूं, तो बहुमत की पास की भी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने संविधान में बहुमत से पास तो किया, पास किया, जैसे पाकिस्तान भारत से बार बार हार जाता है, हारना एक बात है, हार को मान लेना दूसरी बात। पाकिस्तान बार बार हार जाता है मगर हार को स्वीकार नहीं करता, हार को मानता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुमत से पास किया इसलिए उसको माना, स्वीकार नहीं किया, और उस बात को अपने भाषण में रिकॉर्ड करके रखा कि कुछ बातें जिससे मैं सहमत नहीं हूं मगर वो बहुमत से आई हुई है। क्योंकि मैं लोकतांत्रिक आदमी हूं, बहुमत से पास की बात को अकेला आदमी इनकार नहीं कर सकता। मगर जब उन्होंने 56 को धर्म परिवर्तन किया, तो 56 को धर्म परिवर्तन किया तो अपने 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा, लिखित रूप से लिखा कि कुछ लोग बौद्ध हिंदू ही है ऐसा कहते हैं, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। अब ये 56 को कहा तो यहां बहुमत नहीं काम कर रहा है, यहां बाबा साहब अंबेडकर का दिमाग काम कर रहा है। तो इससे और ज्यादा प्रमाणित हो जाता है कि संविधान में लिखी हुई बात बहुमत की है, और चूंकि बहुमत ने बाबा साहब अंबेडकर कितने मत में थे, तो बाबा साहब अंबेडकर अकेले, अगर मान लो वो संविधान सभा में 299 मेंबर थे और पाकिस्तान बनने के बाद में मान लो 99 पाकिस्तान चले गए, 200 लोग रह गए, तो 200 में 199 गांधी और नेहरू के थे और बाबा साहब अंबेडकर अकेले थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले होकर 395 में 63 आर्टिकल आप लोगों के लिए उनसे पास करवाए और बहुत सारे अधिकार आपको दिलवाने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पंडाल डालकर हम लोग अपना अधिवेशन कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है और फिर भी कर रहे हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। और पुलिस वाले आए, गाड़ियां भरकर आए, फिर भी हमने नहीं माना। तो इस तरह से मैं एक तरीके से नहीं कह रहा, कई तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि बातों को आपको समझना है, समझाने के लिए सारी बातें बता रहा हूं। तो इस तरह से ये जो बातें कही गई है, ये बातें इस संदर्भ में कि इनको हिंदू ही माना जाता है और उन्हें हिंदू के ही कानून लागू होते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं काय के लिए, कि हमें घोषित किया जाए हम हिंदू नहीं। जैन जाते हैं, बुद्धिस्ट जाते हैं, सिख जाते हैं और कहते हैं कि हमें घोषित करो हम हिंदू नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इस बात को नहीं मानते, अपने आस्था में, अपने विश्वास में, अपने यकीन में वो इस बात को नहीं मानते। धन्यवाद।